स्टूडियो का टॉपिक ही स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के बारे में हम पढ़ेंगे। न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को स्टडी करने से पहले हम थोड़ा सा डीप से देख लेते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर कौन सी चीज़ें होती हैं। दो आपके पास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन कैरी पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे क्या चार्ज होता है? न्यू चार्ज। तो विच फोर्स इज प्रेजेंट टू होल्ड इट टुगेदर इन न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियॉन्स? यानी कौन सी ऐसी फोर्स है जो इन दोनों को मिला के न्यूक्लियस के अंदर रख रही है और इनको हम न्यूक्लियॉन कहते हैं। और तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो प्रोटॉन पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करने चाहिए, उन्हें तो दूर चला जाना चाहिए। पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि तो जब भी एक दूसरे को प्रोटॉन और प्रोटॉन रिपेल करने लगते हैं, उसी वक्त न्यूट्रॉन इसको अपनी तरफ पुल करके अपने साथ होल्ड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो आपके पास पुलिंग है, अगर और ऐसा तो न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है, फिर ये कैसे इसको अपनी तरफ खींचता है? तो बेसिकली यहाँ पे न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन की न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल एक्सचेंज होते हैं। सेम जस्ट लाइक दैट कि आपके पास कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, उनमें पार्टिकल की शेयरिंग होती है। और जो पार्टिकल एक दूसरे को शेयर करके एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हैं, उसे पाई मेसॉन्स कहते हैं। ठीक है, पाई मेसॉन इज ऑल्सो पार्टिकल ऑफ न्यूक्लियस। पाई मेसॉन के एक्सचेंज की वजह से यहाँ पे फोर्स प्रेजेंट होती है। अब इसकी स्टेबिलिटी जो है आपके पास न्यूक्लियस की, वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के। ठीक है, बिकॉज न्यूक्लियस के अंदर यही दो चीज़ें हैं, तो यही रिस्पॉन्सिबल है उसके फोर्स के, उसकी स्टेबिलिटी के। तो उसमें कुछ पॉइंट्स हैं आपके पास, जिसमें आपके पास है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की रेशियो। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की रेशियो क्या डिपेंड करती है, क्या एक्सप्लेन करती है आपके पास, कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, अगर इन दोनों को रेशियो में डिवाइड किया जाए तो आपका आंसर 1 आ जाए, तो उसका मतलब ये होता है न्यूक्लियस इज वेरी मच स्टेबल, प्रीटी स्टेबल। दैट मीन्स आपके पास जो भी स्पेशी दी गई है वो लोअर एटॉमिक नंबर की है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर आपके पास क्या है, 6 है, और एटॉमिक मास नंबर क्या है, 12। तो आपसे पूछा जाए कि बताएं इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, फॉरन बोलोगे इसके अंदर 6 न्यूट्रॉन्स हैं और 6 ही प्रोटॉन्स हैं। अगर इनको डिवाइड करते हैं आपस में तो आंसर क्या आता है, 1। दैट मीन्स कार्बन दिस वन इज अनस्टेबल, दिस वन इज स्टेबल स्ट्रक्चर। ये अनस्टेबल नहीं है, ये रेडिएटिव मटेरियल नहीं है। ठीक है, तो दैट मीन्स आपके पास ऐसे तमाम मॉलिक्यूल्स, ऐसे तमाम एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर लेस देन 20 या 20 तक होता है, दे आर स्टेबल इफ दे हैव द एन ओवर टी रेशियो इज इक्वल टू 1। अगर ये रेशियो आपके पास एक्सीड कर जाती है, दैट मीन्स आपके पास जो भी स्पीशीज है इट इज़ ऑफ हाई एटॉमिक नंबर, तो हमेशा याद रखना है ऐसे तमाम मॉलिक्यूल्स जिनका एटॉमिक नंबर हाई होता है, मोर देन 20 है, उसमें आपके पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो आंसर है शुड बी ग्रेटर देन 1। उसका आंसर हमेशा 1 से ज़्यादा होना चाहिए। वाई इज इट सो? बिकॉज अगर एन की वैल्यू ज़्यादा होगी तो आंसर 1 से ऊपर आएगा, अगर एन की वैल्यू छोटी हो जाती है दैट मीन्स आंसर आपका 1 से नीचे चला जाता है। ठीक है, एन ओवर पी की रेशियो को मोर देन 1 करने के लिए यू हैव मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स एज कम्पेयर टू प्रोटॉन्स। ठीक है, उसके बाद आपके पास थर्ड आता है कि अगर आपके पास 83 से एटॉमिक नंबर एक्सीड कर जाता है, उसे बढ़ जाता है, तो एन ओवर पी की वैल्यू बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो उसमें हम कहते हैं आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो स्टेबलाइज करने के लिए चाहिए। और उसमें आप ये कह देते हो कि 83 से ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाले होते हैं, दे आर रेडिएटिव इन नेचर। ठीक है, अब यही ग्राफ अगर एन ओवर पी का जो है हम ग्राफ बना के देखें ऑन द ग्राफ पेपर, यू विल सी दैट वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं और एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। अगर इनके ग्राफ प्लॉट करते हैं तो देयर इज सम काइंड ऑफ स्टेबिलिटी बैंड, ये जो आपको नजर आ रहा है ये एक स्टेबिलिटी बैंड नजर आ रहा है, ये देखा एन ओवर पी ये रेशियो नजर आ रही है, इसके साथ आपके पास एक बैंड बना हुआ नजर आ रहा है, दिस इज द स्टेबिलिटी बैंड। ये बैंड आपको ये शो करता है दैट यू हैव the molecules which are equal to n over p ratio 1, यानी जिसकी n over p ratio 1 आ रही है, इसमें number of protons और neutrons आपस में बराबर होते हैं, वो इस band के अंदर आते हैं जो highlighted है। अब अगर ये band के अंदर आते हैं तो हम यहाँ लिख देते हैं कि यहाँ पे n over p की value क्या है, यहाँ पे n over p की value 1 है, n over p की value 1 है, तो इसका मतलब इससे ऊपर अगर जाएंगे तो greater than 1 होगी। ठीक है, नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगी, less than 1 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपकी ग्रेटर देन 1 होती है तो हमेशा याद रखो इसमें से हमेशा इसको 1 के करीब लाने के लिए इसमें से बीटा पार्टिकल निकलते हैं, बीटा नेगेटिव, क्योंकि हमने अगर किसी चीज़ को स्टेबल बनाना है तो उसकी वैल्यू को 1 के पास लाना है। 1 के पास लाने के लिए न्यूट्रॉन, क्योंकि ऊपर की तरफ हम जाएंगे तो न्यूट्रॉन की वैल्यू इज मोर ग्रेटर देन पी। ठीक है, यहाँ पे न्यूट्रॉन की वैल्यू पी से बड़ी हो जाती है, और जब हम लेस देन 1 में आते हैं तो न्यूट्रॉन की वैल्यू आपके पास P से क्या हो जाती है, कम हो जाती है, न्यूट्रॉन की वैल्यू P से कम हो जाती है। दैट मींस अगर न्यूट्रॉन को कम करना है, न्यूट्रॉन की वैल्यू को कम करेंगे तो आंसर हमारा 1 के पास पास आएगा। मैंने भी कहा था ना n की वैल्यू अगर बड़ी होती है तो आपका आंसर 1 से बड़ा आएगा। मैं कहती हूँ 1 से बड़ा नहीं, मुझे 1 के पास जाना है, तो n को P में कन्वर्ट करना है, तो न्यूट्रॉन की तादाद को हमने कम करना है। ठीक है, उसको कम करने के लिए हमेशा बीटा एमिशन होती है।
और अगर एन की वैल्यू आपके पास एन ओवर पी रेशियो की वैल्यू लेस देन वन हो जाती है, उसका मतलब बताओ यहाँ पे न्यूट्रॉन कम है, हमें बैंड की तरफ लाने के लिए यहाँ पे न्यूट्रॉन की अमाउंट को ज्यादा करना पड़ेगा। इस तरह के मॉलिक्यूल जिसमें न्यूट्रॉन की अमाउंट को ज्यादा करना होता है, उसमें दो तरह का एमिशन होता है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर एंड पॉजिट्रॉन एमिशन। तो ये आपसे पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की रेशियो में ज्यादा हो, मोर देन वन हो, तो आप उसे स्टेबल कैसे बनाओगे? तो आप बोलोगे बीटा एमिशन को एमिट करके। अगर कहते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की रेशियो लेस देन वन हो, तो आप उसे कैसे स्टेबलाइज करोगे? बोलोगे इलेक्ट्रॉन कैप्चर और पॉजिट्रॉन एमिशन करके। तो यही पॉइंट्स आपके पास यहाँ पे लिखे गए हैं कि न्यूक्लाइड टू द लेफ्ट ऑफ द बेल्ट स्टेबिलिटी हैव एन ओवर पी रेशियो लार्जर देन नीडेड फॉर द स्टेबिलिटी, यानी वन से ज्यादा है, और अगर हम उसे वन के पास लाना चाहते हैं तो हमें बीटा एमिशन करना पड़ेगा। ठीक है, बीटा एमिशन में क्या होता है आपके पास, न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इंटू प्रोटोन। अगर आपके पास उस राइट साइड पे आता है तो उसका मतलब होता है एन ओवर पी की रेशियो बहुत कम है, अगर कम है तो उसका मतलब क्या होता है, आप पॉजिट्रॉन एमिशन करोगे या इलेक्ट्रॉन कैप्चर करोगे। दोनों तरीकों में क्या होता है, न्यूट्रॉन की तादाद को हम ज्यादा करते हैं। तो किसी भी रिएक्शन में जिसमें न्यूट्रॉन की अमाउंट को बढ़ाना हो तो हम पॉजिट्रॉन एमिशन या इलेक्ट्रॉन कैप्चर करते हैं, न्यूट्रॉन को कम करना हो तो बीटा एमिशन करते हैं। अब वो कहता है कि न्यूक्लियस ऑफ एटॉमिक नंबर 83 ऑफन डिके बाय अल्फा रेडिएशन। अगर वो कहता है कि अगर एटॉमिक नंबर उनका 83 के पास चला जाता है तो उसमें से हमेशा अल्फा एमिशन। ठीक है, अब इसके बाद और भी पॉइंट्स ऐसे हैं जो इसकी स्टेबिलिटी को डिस्कस करते हैं, वो है आपके पास सबसे पहला पॉइंट को है न्यूक्लाई जिनका एटॉमिक नंबर 2, 8, 20, 28, 50 या 82 हो, या आपके पास 126 हो। तो ये जो अगर न्यूट्रॉन नंबर या न्यूक्लियस प्रोटॉन नंबर हो तो ये मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें ये दोनों चीज़ें ना हों वो अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास न्यूक्लियाई विद 2 और 2, फौरन से देखो आपके पास कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें न्यूक्लियस में 2 एटॉमिक नंबर भी होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 2 होते हैं। तो हीलियम देखो, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2, और एटॉमिक मास में हो जाता है 4, तो न्यूट्रॉन नंबर कितने हुए इसमें 2। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें आपके पास फॉर एग्जाम्पल हीलियम में जिसमें आपके पास एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, अब ये आपके पास आ रहा है, इसमें मैं बोलूँ आप एटॉमिक न्यूट्रॉन नंबर बताओगे तो वो भी 2 है, एटॉमिक प्रोटॉन नंबर है वो भी 2 है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबर अगर दोनों ही मैजिक नंबर हो तो वो मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होता है, बजाय इसके कि आपके पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल हो जिसमें एक चीज़ तो स्टेबल हो रही हो तो दूसरी स्टेबलाइज ना हो रही। ठीक है, यानी दोनों अगर एटॉमिक और प्रोटॉन नंबर दोनों मैजिक नंबर हो तो ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये आपके पास पॉइंट नंबर 2 पॉइंट था विच आल्सो रिप्रेजेंट द स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मैजिक नंबर। तो व्हाट डू यू मीन बाय मैजिक नंबर, सो आपको ये नंबर्स पता होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट आता है अगर न्यूक्लियस में इवन नंबर प्रोटॉन के और न्यूट्रॉन के अगर वो मैजिक नंबर नहीं है, मैजिक नंबर में देखो ना 4 भी होता है, इवन नंबर में 4 भी होता है 6 भी होता है, पर मैजिक नंबर में सिर्फ 2, 8, 20, 28, 50 और 82 है। तो अगर मैजिक नंबर ना हो उसके अलावा फिर भी वो इवन नंबर आ रहा हो, अगर एटॉमिक नंबर और एटॉमिक न्यूट्रॉन नंबर दोनों इवन हो वो ज़्यादा स्टेबल होता है, उसकी निस्बत जब आपके पास ओड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि इवन और इवन क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। ठीक है, स्टेबल। ठीक है, अगर आपके पास इवन है या ओड है, या ओड है या इवन है, तो ये थोड़े से कम स्टेबल होते हैं, लेस स्टेबल। ठीक है, और अगर आपके पास दोनों ही आपके पास ओड हो जाते हैं, ठीक है, अगर एटॉमिक नंबर भी ओड है और न्यूट्रॉन नंबर भी ओड है, तो हम उसे कह देते हैं दे आर नॉट स्टेबल। ठीक है, यानी आपके पास प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर की बात कर रहे हैं, अगर वो दोनों इवन होते हैं तो इट विल बी स्टेबल, अगर वो दोनों में से एक इवन होता है तो लेस स्टेबल, और अगर दोनों ही ऑड होते हैं तो वो बिल्कुल ही स्टेबल नहीं होते हैं। ठीक है, सो न्यूक्लियर विद इवन ऑफ बोथ प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स आर स्टेबल मोर देन दोस विद ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस अपीयर टू हैव एनर्जी लेवल मच एज इलेक्ट्रॉन इन एटम हैव एनर्जी लेवल। जैसे अब जैसे आपके पास वहाँ पे के एल एम एन शेल होते हैं, इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर भी एनर्जी लेवल्स कुछ बने हुए होते हैं, उन एनर्जी लेवल को एक्सप्लेन करते हैं शेल मॉडल ऑफ न्यूक्लियस, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसे हम पढ़ेंगे। तो इस वक्त के लिए सिर्फ आपने ये स्टेबिलिटी याद करनी है इन टर्म्स ऑफ मैजिक नंबर और न्यूट्रॉन प्रोटॉन की रेशियो में।